हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एटम एंड मॉलिक्यूल इस टॉपिक में हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं और उस पॉइंट का नाम है रोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो कल के छोटे से वीडियो में मैंने आपको मोलार मास कैसे निकालते हैं उसके 5-6 एग्जांपल्स बताए थे, तो उसका आज हमें बहुत यूज होने वाला है। देखो, जिस प्रकार से मोल ऑफ एटम में हम लिखते हैं वन मोल ऑफ एटम इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, एक वीडियो में ऑलरेडी हुए वाला है। उसी प्रकार से वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू रहता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू रहता है एटॉमिक मास की जगह पे मोलार मास, और कल मैंने मोलार मास आपको पढ़ाया है। इसके तीन चार पहले एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद एक 5-6 टाइप के फटाफट प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल देखो बेटा, वन मोल ऑफ H2 लिखा है यहाँ पे, वन मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अभी वन मोल ऑफ H2 में मॉलिक्यूल H2 के ही आएंगे, इसमें N2 के थोड़ी ना आने वाले हैं, लेकिन मतलब वन डजन ऑफ बनाना इज इक्वल टू 12 बनाना ही है ना, 12 पेन कैसे आते। तो वैसे ही वन मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इक्वल टू, इसका भी एटॉमिक एच का एटॉमिक मास 1 ग्राम है, इसमें 2 एच के एटम है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 2 × 1 इज 2 ग्राम, ठीक है। फिर अभी दूसरा प्रॉब्लम देखो, यहाँ भी क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एग्जाम्पल ओनली, वन मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स किसके ऑफ O2। वन मोल ऑफ O2 में O2 के मॉलिक्यूल आएंगे ना, यहाँ पे H2 के थोड़ी आएंगे। अब इसका मोलर मास 2 × O मतलब 2 × O का एटॉमिक मास 16 है, 2 × 16 कितना होगा बेटा, 32 ग्राम, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, थर्ड में यह लिखा है डैश इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यस, वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका मोलर मास 1 कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 2 × 16 = 32, दोनों की करो एडिशन 44 ग्राम, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, वन मोल ऑफ वाटर लिखा है, वन मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू डैश, तो क्या आएगा फर्स्ट में, 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर के वन मोल में वाटर के ही मॉलिक्यूल रहेंगे ना, उसमें थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड की आएगी। अब इसका मोलर मास H के दो एटम है, 2 × H का एटॉमिक मास 1 प्लस O एक बार है, 1 × 16 = 16 इट इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है मोल ऑफ मॉलिक्यूल में, इसमें 6 टाइप की प्रॉब्लम्स देखने की है। टाइप नंबर 1 देखो, उसमें पहला प्रॉब्लम ऐसा पूछते, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फ्रॉम द गिवन मास, गिवन मास मतलब वो मास प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करो, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये मास ग्राम में रहा तो मोलर मास ग्राम में ले लो, अगर गिवन मास किलोग्राम में दिया तो मोलर मास भी किलोग्राम में ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें ग्राम में ही देते हैं, ठीक है। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं इज इक्वल टू W/m, W मतलब गिवन मास, m मतलब मोलर मास। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपको कहा गया कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 7 ग्राम ऑफ N2, 7 ग्राम N2 में मोल कितने, इसके लिए सबसे पहले मोलर मास ऑफ N2 निकालना होगा, मोलर मास ऑफ N2 इज इक्वल टू 2 × N इज इक्वल टू 2 × N का एटॉमिक मास है 14, तो 14 × 2 का आएगा 28 ग्राम, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ मोल निकालिए, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, W/m गिवन मास बाय मोलर मास,
तो गिवन मास इज 7, n2 का एटम मोलर मास आया 28, 2 इंटू 14 28, 7 बाय 28 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मोल। दूसरा प्रॉब्लम, 88 ग्राम ऑफ CO2 पर स्टेप मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 एडिशन करोगे तो 44 ग्राम आएगा। फिर फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू W/m, गिवन मास 88 मोलर मास 44, सो डिवाइड करके देखो आंसर आएगा 2 मोल। देखो 22 2 4 4 22 4 88 2 1 2 2 2, आंसर इज 2 मोल। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल फ्रॉम द गिवन मास। इसके लिए मैं आपको और एक प्रॉब्लम बताऊंगा, जो आपको दिया गया 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये लास्ट एग्जांपल इस टाइप का, नाइन ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब देखो इसके लिए आपको ग्लूकोज का मोलर मास, सॉरी मॉलिकुलर फॉर्मूला मालूम रहना जरूरी है, तो वो C6H12O6। तो पहली स्टेप क्या लिखेंगे, MM मतलब मोलर मास ऑफ C6H12O6 इक्वल टू क्या आएगा, 6 इंटू कार्बन, 12 इंटू हाइड्रोजन, 6 इंटू ऑक्सीजन, 6 इंटू 12 इंटू 1, 6 इंटू ओ का एटॉमिक मास 16, कार्बन का 12 एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, ये नंबर ऑफ एटम्स है, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। अगर आप एडिशन करके मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करोगे तो ये आएगा 180 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल निकालिए, दूसरी स्टेप, n इज इक्वल टू W/m फॉर्मूला, W मतलब गिवन मास 9 ग्राम, m मतलब m मोलर मास 180 ग्राम, 9 1 9 2 0 1/20, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/20 0.05 मोल, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। अभी सेकेंड टाइप की, टाइप नंबर 2 में उल्टा करते, क्या करते हैं वो लोग, आपको मास निकालने को बोलेंगे फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब एन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डब्ल्यू आपको निकालना है। नाउ यू आर हैविंग अ फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू W/m, डब्ल्यू निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फिर फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन इंटू एम, या यम लिख सकते हो मोलर मास, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया कि 0.8 मोल्स ऑफ NaOH इसका मास कितना है, आपको निकालना है, क्या करेंगे, W मतलब मास ऑफ N मतलब नंबर ऑफ मोल, कितने नंबर ऑफ मोल 0.8 मोलर मास किसका, NaOH का, देखो NA का एटॉमिक मास 23 है, O का 16, H का 1, और सभी एटम एक एक बार आएगी नहीं, यानी एक बार O, एक बार H, एक बार, तो बेटा 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम हो जाता है, तो 0.8 इंटू 40 करो तो आपका आंसर आ रहा है 320 मतलब 32 ग्राम, ठीक है। और एक प्रॉब्लम बता रहा हूं इसी टाइप का, 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो पहली स्टेप में मोलार मास निकाल लो, मोलार मास ऑफ CaCO3, एक CA 1 इंटू CA लिखो, एक कार्बन 1 इंटू C लिखो,
तीन ऑक्सीजन थ्री इंटू ओ लिखो, वन इंटू सी एच आर एटमस 14, कार्बन का 12, थ्री इंटू ओ का 16, सबके एडिशन करो 100 ग्राम आते, बोला हमारा 100 है। अभी सेकेंड स्टेप में आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू एन इंटू एम एम फार्मूला, डब्ल्यू मतलब मास निकालना है। सो डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन गिवन नंबर ऑफ पोल्स, इट इज 2.5 इंटू मोलर मास आपने निकाला है 100, मल्टीप्लीकेशन करो 0 0 25 1 25 पॉइंट आएगा, मतलब ये हो गया 250 ग्राम। ठीक है, तो ये दो टाइप के प्रॉब्लम हो गए। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम देखो बेटा, टाइप नंबर 3। अब इसमें क्या करते हैं, आपको अगेन यह निकालना है, मतलब नंबर ऑफ पोल्स फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो फर्क समझाता हूं, यहां पे भी अपनी एन निकाला था लेकिन फ्रॉम गिवन मास, और यहां पे भी आप एन निकाल रहे हो बट फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करने के बाद कितना मोल बनता है, एक मोल। तो फिर अगर एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए तो कितने मोल बनेंगे, 1 इंटू एक्स अपॉन दिस। लेकिन मतलब ही क्या, मतलब ही आप क्या करने वाले हो कि x को, मतलब x इंटू वन इज x, सो x को 6.022 इंटू 10^23 से डिवाइड करो, तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन, ये फिगर मतलब क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर, ये नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12.044 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एच सी एल दिया गया और आपको निकालना इसके नंबर ऑफ मोल, एन इक्वल टू क्या करोगे, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये फिगर 12.044 इंटू 10^23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10^23। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर रहते हैं, तो बहुत बार बोल चुका हूं 10^23 कटिंग हो जाएगा, कैंसल, 6 × 12 0 × 0 2 × 4 2 × 4 यानी कि सीधा सीधा 2 का डिवीजन, तो आंसर आ गया 2 मोल। ठीक है, ये टाइप नंबर 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ। टाइप नंबर 3 में और एक प्रॉब्लम आपको बोलता हूं, सपोज आपको दिया गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए 3.011 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब इसके नंबर ऑफ मोल निकालें, एन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3.011 इंटू 10^22 अपॉन, ये नहीं है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10^23। ठीक है, अब यहाँ पे पावर 22 यहाँ पे 23, पावर तो पूरा नहीं कटेगा, कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करेंगे, पहले डिवीजन करके देंगे, तो इसके दुगना ये बराबर है 3 × 1 = 3 0 0 1 × 2 = 1 यानी कि 1/2 आया, तो ये हो गया 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10^ 22, और नीचे जो 10^23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10^-23, सो यान इक्वल टू 0.5 इंटू 10^-1 यानी कि कितना 0.05 मोल। देखो बेटा
फर्स्ट टाइप में और थर्ड टाइप में एक फर्क है। क्या फर्क है देखो, फर्स्ट टाइप में हमने जो नंबर ऑफ मोल निकाले थे उसमें फार्मूला था डब्ल्यू बाय मोलार मास। अभी हम जो निकाल रहे उसमें यंग इज इक्वल टू फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन यंग। फर्क क्या देखो, सपोज फर्स्ट टाइप में आपको अलग अलग मॉलिक्यूल दिए गए लेकिन उनका वेट सेम दिया गया। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, अलग अलग मॉलिक्यूल दिए गए लेकिन उसका वेट सेम दिया गया। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ये है डब्ल्यू की वैल्यू और आपको पूछा गया कि 1 ग्राम वेट है हाइड्रोजन का, 1 ग्राम ही वेट है नाइट्रोजन का, तो क्या इन दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम आएंगे? आएंगे ना। कैसे? क्या डब्ल्यू इज 1 बट यम यम फॉर हाइड्रोजन इज 2 एंड फॉर एन टू इट इज 28 ग्राम। तो आपका फर्स्ट आंसर आएगा 1/2 और दूसरा आएगा 1/28। आंसर अलग अलग है लेकिन अगर यही प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं अगर एच टू की इतने मॉलिक्यूल है और एन टू की इतने मॉलिक्यूल है तो क्या दोनों के मोल्स आएंगे डिफरेंट? सेम ही आएंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के सेम है तो नीचे एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर वो भी दोनों के लिए सेम ही है ना, इसलिए इसमें आंसर चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं आता। लेकिन इसमें आंसर चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मोलार मास चेंज होता है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है चलो अभी हम टाइप नंबर 4 की तरफ जाएंगे। अभी टाइप नंबर 4 में क्या करना है, टाइप नंबर 4 में आपको यहां पे आपने क्या निकाला था नंबर ऑफ मोल फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उल्टा करना है। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कौन बताते हैं एन से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, एन इक्वल टू क्या है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एन। लेकिन अभी मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एन मतलब गिवन नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, एन मतलब गिवन नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0.25 मोल्स ऑफ कौन सा भी मॉलिक्यूल ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब मैंने लिया अमोनिया NH3 इतने मोल्स है, इसमें मॉलिक्यूल कितने, तो निकालने का है मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने 0.25, इनका एवोगाड्रो नंबर तो फिक्स ही है 6.022×10^23 मल्टीप्लीकेशन करो 55 कैरी हो जाएगा 55 5 150 12345। तो आंसर क्या है 1.50550 पावर 23। इस प्रकार से हमने 0.25 मोल्स ऑफ अमोनिया में इतने मॉलिक्यूल रहे थे जितने 1.5×10^23 ये कैलकुलेट किया। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, सपोज हमें दिए गए नंबर ऑफ मोल्स 2.2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्या फॉर्मूला है उसका HNO3। 2.2 मोल्स ऑफ HNO3 में कितने मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एन इंटू एन ए, नन्ना नहीं मेरे को नन्ना, नंबर ऑफ मोल 2.2 ना एवोगाड्रो नाना एवोगाड्रो का नंबर जस्ट मल्टीप्लीकेशन 44 22 2 44 4 जेरी हो जाएगा 44 + 4 48
फोर के लिए हो गया 22 सिक्स 132 1 2 3 4 13 पॉइंट 2 4 8 4 इतने मॉलिक्यूल है किसमें 2.2 मोल्स ऑफ HNO3 में। अगर सपोज मैंने यहां पे HNO3 की जगह पे आपको वाटर दिया होता तो क्या आंसर सेम आता या डिफरेंट? सेम ही आएगा ना, क्योंकि यहां पे जो आंसर है वो N और NA पे डिपेंड है, इसमें कोई पोलार मास का संबंध ही नहीं है। पोलार मास जब आता है तो आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गए टाइप नंबर 4 के प्रॉब्लम। अभी टाइप नंबर 5 और 6, उसके बाद टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। टाइप नंबर 5 में क्या करते हैं, आपको पूछते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही निकालने को बोलते हैं फ्रॉम गिवन मास। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास मतलब डब्ल्यू, उसको पहले डिवाइड करो मोलार मास से। मतलब ये फर्स्ट टाइम की प्रॉब्लम हो गई, गिवन मास बाय मोलार मास मतलब क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल है कि नहीं, मतलब एन मिल गया। अब एन को एन से मल्टीप्लाई करेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलती है, वही तो निकालना है इंटू एन। फार्मूले ऐसे याद नहीं करने के, बना लेंगे क्या हुआ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। फॉर एग्जांपल 4.9 ग्राम्स ऑफ H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स है मुझे निकालना है। सबसे पहले मुझे मोलार मास निकालना होगा, सो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, मोलार मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू 2 × H + 1 × S + 4 × O। 2 × H का एटॉमिक मास 1, S का 32, 4 × O का 60। देखो एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, इसलिए मैंने लिस्ट बना दी थी एक वीडियो में, याद करो 2 × 1 = 2, 32 × 1 = 32, 16 × 4 = 64, एडिशन करो 98 ग्राम आएंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो अभी मोलार मास एम मालूम हुआ है कि नहीं। अब 4.9 ग्राम डब्ल्यू है और एवोगाड्रो नंबर तो आपको मालूम ही, तो सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू डब्ल्यू मतलब गिवन मास बाय एम मोलार मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो डब्ल्यू कितना आपको दिया होगा 4.9 अपॉन मोलार मास कितना निकला होंगे 98 × 6.022 10^23। पॉइंट बढ़ा लो नीचे जीरो बढ़ा लो 49 होगा 49 49 2 49 होगा 98 जीरो आएगा 1/20 हो गया ये। सो 1/2 इज 0.5 1/20 0.05 तो यहां पे लिखता हूं मैं तो 0.05 मतलब 1/20 0.05 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो आंसर 5 × 10 10 + 1 = 11 130। तो पॉइंट क्या आएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर आ रहा है 0.30110 × 10^23। आप इसको ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये पॉइंट इधर ले लो 3.011 × 10^22। जब आप पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करते हो तो पावर 1 से कम हो जाता है, इसलिए 3.011 × 10^22 ये अपना फाइनल आंसर आया। ठीक है, चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइम का। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स
and atoms are presenting ग्राम ऑफ सी एच फोर मतलब मिथेन। इसी स्टेप पर होगा, फर्स्ट स्टेप मोलार मास ऑफ मिथेन इक्वल टू कार्बन एक है तो 12, हाइड्रोजन 4, 4 इंटू 1 4, 12 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 16 ग्राम। सेकेंड स्टेप पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फार्मूला डब्ल्यू बाय एम एम इंटू एवोगैड्रो नंबर, ग्राम डब्ल्यू 32 ग्राम, सो 32 अपॉन मोलर मास 16 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 16 वन जा 16 टू जा मल्टीप्लीकेशन 12.044 इंटू 10 रेस टू पावर 23, इतने मॉलिक्यूल से 32 ग्राम मीथेन। लेकिन आपको साथ साथ उन्होंने पूछा है हाउ मेनी एटम्स बी, अब देखो बेटा तीसरी स्टेप ऐसा पूछते तो नहीं ज्यादा हम एग्जाम में, लेकिन हम एडवांस के लिए भी तैयार रहना चाहिए हमें। सो नंबर ऑफ एटम्स निकालने कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक फार्मूला है, देखो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी, बस नंबर ऑफ एटम कितने आपके 12.044 इंटू 10 रेस टू पावर 23। अरे दो तीन वीडियो पहले मैंने एटॉमिसिटी बोली थी, व्हाट इज एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो मीथेन में टोटल एटम कितने, एच के 4 सी का 1 टोटल हो गए 5, तो मल्टीप्लाई करो 5 4 20, तो कैरी हो जाएगा 22, तो कैरी हो गया 60, 1 2 3 के बाद डेसिमल 1 2 3, तो आंसर आया 60.220 इंटू 10 रेस टू पावर 23, इतने एटम्स है। अगर इस प्रॉब्लम में भी हमें नंबर ऑफ एटम पूछते थे तो क्या करते थे हम, इसके एटॉमिसिटी देखो 2 या इसकी 3 और वो 4 7, मतलब जो आंसर है ना हमारा खाने आंसर यहाँ पे 3.011 इंटू 10 रेस टू पावर 22 आया था, इसको इंटू 7 कर दो, तो इसमें भी आप नंबर ऑफ एटम्स एस टू सुपर के निकाल सकते हो। ठीक है, अभी आखिरी टाइप के प्रॉब्लम्स, इसमें क्या करना है आपको, आपको कैलकुलेट मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टाइप नंबर 6। छह टाइप के प्रॉब्लम्स, आज इसका 2 बार रिवीजन करो। ठीक है, इसके एक शीट में या फिर आपको इसे बोर्ड पे प्रॉब्लम लिख के मैं भेज दूंगा होमवर्क के लिए। तो टाइप नंबर 6 में मास फ्रॉम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसके लिए फार्मूला देखो, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मोलार मास, किसका, उस मॉलिक्यूल का, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। शॉर्टकट में मास मतलब डब्ल्यू निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एम मतलब मोलार मास डिवाइडेड बाय, ये भी फार्मूला आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट शुड बी द एक्चुअल मास ऑफ, ठीक है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सिर्फ 8 मॉलिक्यूल का मुझे मास निकालना है, मतलब डब्ल्यू निकालना है, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिए मुझे 8 मोलर मास किसका, वो टू का 32 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 रेस टू पावर 23। अब एक बात ध्यान करो, अगर 0 टू 2 से ऊपर की कोई डिजिट डिविजिबल नहीं है
तो जीरो टू टू को कंसीडर ही मत करो, आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, सिक्स से डिवाइड कर दो, सिक्स वन गा सिक्स, वन गा सिक्स, टू रिमेन, सिक्स थ्री गा एटीन, टू कैरी हो जाएगा अगेन थ्री, सो 1.33 इंटू 32, 32 थ्री गा 96 होता है, 96 प्लस 9 105, 32 प्लस 10 42, 12 42.56, ये पावर ऊपर जाके 10^-23 इस प्रकार से आप डब्ल्यू निकाल सकते हो। चलो वन मोर प्रॉब्लम आखिरी है, सपोज आपको दिए गए 18.066 इंटू 10^21 इतने सारे मॉलिक्यूल्स, और वो है सपोज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलार मास निकाल लो, बस के मोलार मास ऑफ के ओ या के का एटॉमिक मास 39, ओ का 16, एच का 1, एडिशन 56 ग्राम। सेकेंड स्टेप नंबर, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 18.066 इंटू 10^21 इंटू यम 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 मोलर मास, कितना निकाला है हमने 56 अपॉन एलगोरेटो नंबर 6.022 इंटू 10^23, ये बराबर 3 का डिवीजन जाएगा, 6 3 18 ट्रिपल हो गया, तो पावर ऊपर लेके जाओ 3 × 56 इंटू 10^21 इंटू 10^-23 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 168 इंटू 10^-2। अगर पावर को हटाना ही है तो आंसर आएगा 1.68 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 टाइप के प्रॉब्लम मैंने आपको पढ़ाए, इस 6 टाइप के हर एक टाइप के 5-5 प्रॉब्लम की शीट मैं आपको होमवर्क के लिए भेज देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।